आक्रांताओं से आहत हो रहा था। उस समय, उस कालखंड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को गांव-गांव में जागरूक करने का काम किया था, रामलीलाओं का मंचन किया था, रामलीलाओं के माध्यम से उन्होंने एक एक गांव को जोड़ने का काम किया था। आज भी गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन बिना किसी सरकार की आश्रित होकर के आम जनमानस करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ। सभी पात्र उसी गांव के नौजवान बनते, उनके अंदर कला एक नए रूप में देखने को मिलती है, संवाद की अपनी एक शैली वहां गांवों के अंदर अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती है। गांव में सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है, सनातन धर्म के मूल्य मजबूत होते हैं। और उस समय तुलसीदास जी को भी तमाम प्रलोभन आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा तुलसीदास जी को कि आप भी बादशाह के दरबार में आइए, आपको भी नवरत्न से लोग सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कौन बादशाह? कहा अरे राजा भारत का। उन्होंने कहा नहीं, भारत का एक ही राजा है और राम है, और भारत की रामलीलाओं में आज भी यह मंत्र और यह नारा गूंजता है, बोले राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की जय की बात। ये तुलसीदास जी ने उस कालखंड में दिया था नारा। उन्होंने कहा था नहीं, भारत का एक ही राजा है, वो केवल राम है, राम के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता है। ये है एक संत की निरर्थता, निर्भीकता। याद रखना जो मैंने कहा, लीक से हटकर के जब भी हम काम करेंगे वह विशिष्ट होगा, लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।